मॉर्निंग क्लास 4. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इंसर्ट द साइन ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स. सो बहुत इजी क्वेश्चन है. स्टार्टिंग से ही आप देखते आ रहे हैं कि लेस देन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन 1200, सेकंड डिजिट इज 1210. सो इसका मीन्स होता है ग्रेटर देन. ग्रेटर देन का साइन का कब होता है, जब ये ओपन फेस होता है तो ये होता है ग्रेटर देन. ठीक है, अगर यहाँ पे इस साइड ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल. तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम यूज करते हैं 1200 और 1210. वन स्टैंड्स 100,000, तो 1200 भी इसको कह सकते हैं, 1200 भी रीड कर सकते हैं. वन स्टैंड्स 100,000, 1210, तो 1210 या 1200, कौन सी डिजिट बड़ी है, ये वाली. तो इसमें क्या करेंगे, जो डिजिट बड़ी होगी उसकी साइड ओपन फेस करेंगे. ठीक है, जो भी नंबर दोनों में से जो भी डिजिट बड़ी होगी उसकी साइड हम ये फेस करेंगे. इसका मीन्स क्या हो गया, 1200 लेस देन 1210, कि 1200 लेस देन का मतलब है छोटा नंबर है 1210 से. ओके, नेक्स्ट इसमें हम इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1200, यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1210 ग्रेटर देन 1200. ठीक है, 1210 ग्रेटर देन 1200. नेक्स्ट नंबर 6428 एंड 4265. इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो है 6428. सो हम बोलेंगे 6428 ग्रेटर देन 4265, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4265 लेस देन, क्योंकि इससे छोटा है ना, जिसकी साइड ओपन फेस नहीं है तो वो लेस देन होगा. जिसकी साइड ओपन फेस होगा उसमें हम ग्रेटर देन बोलते हैं. ठीक है, और अगर कोई नंबर्स सेम होती है, डिजिट अगर यहाँ पे दोनों नंबर जगह सेम होती है तो इक्वल का साइन लगाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन सेकंड में इस तरीके से 2016. तो स्मॉलेस्ट में शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, स्मॉलेस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, जीरो. लेकिन कभी भी जीरो को स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, जीरो के बाद कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट, वन. वन के बाद जीरो लिखेंगे. तो ये ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको जीरो का यूज नहीं करना है, सेकेंड नंबर पे जीरो का यूज करना है. फिर उसके बाद टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, एंड लास्ट में सिक्स है. ठीक है, इस तरीके से. और लार्जेस्ट पता है आपको, सिक्स फोर. लार्जेस्ट में कैसे लिखोगे, 6, 4, 3, 2. अब इसमें एंड में हम जीरो लगा सकते हैं, लार्जेस्ट में एंड में जीरो कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में स्मॉलेस्ट नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स होता है नंबर्स इन दिस क्वेश्चन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा. बट क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको कि अच्छे से इसको देखना है कि कौन सी डिजिट स्मॉलेस्ट है और कौन सी डिजिट ग्रेटेस्ट है, और उसी अकॉर्डिंग आपको असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. पहले छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उस सेकेंड नंबर से भी बड़ा, फिर थर्ड नंबर से भी बड़ा, इस तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. इसमें भी आपको साइन ही करना है, पुट द साइन. ओके, फिफ्थ नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मीन्स होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, सबसे जो भी डिजिट्स होती है उसमें सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, फिर उससे छोटा आता है, फिर उससे छोटा आता है, इस तरीके से. ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं. और आप लोग स्टार्टिंग से कर रहे हो, मिस्टेक कहाँ होती है कि आप लोग नंबर नेम में उसको जब देखते हो ना नंबर्स को, तो नंबर नेम ही आप गलत उसको रीड कर लेते हो. जैसे 40,000 समथिंग कोई डिजिट है तो आप 4,000 रीड करोगे, तो अगर आप उसको रीड ही गलत कर रहे हो तो फिर तो आप उसको समझोगे भी डिजिट्स को रॉन्ग ही. तो इस तरीके से आपको अच्छे से उसको देखना है और फिर उस अकॉर्डिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको करना है. सो ईच स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज नंबर 11. थैंक यू.